क्रिमिनल गैंग या इंटरनेशनल सिंडिकेट्स क्राइम के लिए यूज करते हैं, इसलिए विभिन्न देशों में भी जुवेनाइल को एडल्ट मानते हुए केस चलाने की उम्र बेहद कम रखी गई है। इसलिए आपके माध्यम से उपसभापति महोदय, मेरा सदन से एवं सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द इस कानून में संशोधन लाया जाए, जिससे जुवेनाइल द्वारा होने वाले अपराधों में भी कन्विक्शन रेट में बढ़ोतरी हो और अपराधियों को सजा मिल सके। धन्यवाद। माननीय रामचंद्र जांगड़ा, माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी, धन्यवाद। मान्यवाद, जीरो आवर। मैं स्वर्णकार शिल्पकार समाज की अनदेखी और बढ़ती हुई बदहाली पर सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित आपके माध्यम से करना चाहता हूं। मान्यवर, भारत का स्वर्णकार समाज देश के प्रतिष्ठित और कुशल कारीगर समाज माना जाता है। भारत के स्वर्णकार ने अपने हस्त कौशल से पूरे विश्व को अपनी कारीगरी का लोहा मनवाया है। वर्ष 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट आने से पहले ये 125 करोड़ लोग खुशहाली और प्रतिष्ठा का जीवन जी रहे थे। इसके बाद इनके पतन की आर्थिक पतन की शुरुआत हुई। यद्यपि इसकी शुरुआत 1962 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट के द्वारा ही हो गई थी, जिसके माध्यम से सोने के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1963 में 14 कैरेट से अधिक सोने के जेवर बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 1968 में सोने को सिक्कों व छड़ों के रूप में रखना प्रतिबंधित कर दिया गया। सोने को जेवर के रूप में केवल 100 ग्राम तक सीमा तक रखने के लिए सीमित कर दिया गया। बड़े लाइसेंस प्राप्त स्वर्णकारों को 2 किलो तक सोना रखने की सीमा निर्धारित की गई। गांव का स्वर्णकार लाइसेंस प्रक्रिया से अनजान था, इसलिए वो पीछे रह गया और बड़े बड़े कारीगर और बड़े बड़े मालों के पास ये काम चला गया। मान्यवर, उसके बाद एक्ट में संशोधन हुआ और छोटे कारीगरों के लिए 300 ग्राम सोना जेवर के रूप में रखने की सीमा तय की गई। महोदय, 1990 में तत्कालीन सरकार द्वारा सोने का काम कारपोरेट घरानों के लिए खोल दिया गया। उसके बाद ये काम तनिष्क, रिलायंस, पीसी जेवल और कल्याण ज्वेलर्स वगैरह बड़े घरानों के पास चला गया और गांव का छोटा कारीगर स्वर्णकार उनका मात्र मजदूर बन के रह गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इनकी बदहाली की स्थिति ठीक हो जाए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं। कारपोरेट घरानों द्वारा किया जा रहे सोने के व्यापार पर कर प्रतिशत बढ़ाया जाए। लाइसेंस प्राप्त डीलरों द्वारा ज्वेलरी व्यापार पर भी कर की सीमा को बढ़ाया जाए और अमूल मिल्क की तर्ज के ऊपर ग्रामीण छोटे कारीगर स्वर्णकार शिल्पकारों को संघ बनाकर सोना खरीदने के लिए एमएसएमई की तर्ज पर उनको लोन दिया जाए और उनकी खरीद की व्यवस्था किया जाए, ताकि गांव का छोटा शिल्पकार जो स्वर्णकार है वो उभर सके। मान्यवर, एक और बहुत गंभीर विषय, दंड संहिता की धारा 411 का बहुत दुरुपयोग होता है। कोई भी स्वर्णकार शिल्पकार अगर छोटी सी कोई जेवरात खरीद लेता है, कोई उसकी शिकायत कर देता है झूठी, तो पुलिस को उसको प्रताड़ित करती है। जब 300 ग्राम सोने के जेवर खरीदने का उसको अधिकार है, तो वहां तक उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज ना करवाया जाए, ताकि पुलिस की अनावश्यक प्रताड़ना से यह समाज बच सके। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी। माननीय सभापति महोदय, मैं एक ऐसा प्रश्न है जो मेरे यहाँ कि दैनिक यात्रियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। मेरठ से दिल्ली रेवाड़ी होते हुए गंगानगर एक ट्रेन शटल चलती थी लंबे समय से, उसमें दैनिक केंद्रीय कर्मचारी और यात्री उससे टाइम पर आते थे। अब वो बंद कर दी गई है, जिससे हजारों कर्मचारी और यात्री समय पर नहीं आ पाते, या आते हैं तो गाड़ियों से आते हैं, परेशानी होती है, और जिस कारण से आए दिन बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। वैसे मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, एक्सप्रेस वे बना है, लेकिन इससे दिल्ली में गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती है, यात्रियों की परेशानी भी होती है, और इसमें मोदी नगर के यात्री, गाजियाबाद के यात्री, मेरठ के यात्री आते थे। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा, उस ट्रेन को चालू किया जाए, लंबे समय से चलती आ रही है, ताकि यात्रियों की सुविधा हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री सतीश चंद्र दुबे जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय, कि शून्यकाल में महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर आपने दिया। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% की आरक्षण देने का काम EWS कोटे के तहत किया। इस पर कोट के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के उम्र सीमा की छूट का प्रावधान नहीं है, जबकि अन्य वर्गों को छूट मिलती है। मौजूदा समय में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के आधार पर जिन्हें उम्र की छूट है, उसमें SC ST 5 साल की, OBC 3 साल की छूट है। इसी तरह सरकारी नौकरियों में सम्मान वर्ग के अभ्यर्थियों
के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल की है। वहीं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 35 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 37 वर्ष तय है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि कमजोर सवर्णों के लिए उम्र सीमा में छूट दी जाए तथा परीक्षार्थियों को लगने वाले आवेदन शुल्क में रियायत दी जाए ताकि सबका साथ सबका विकास का नारा पूरा हो सके। मानवर EWS का जो 10% का आरक्षण, ये तो पूर्व की सरकारें भी कर सकती थी। मैं धन्यवाद देता हूं इस सदन के माध्यम से कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीब सवर्णों परीक्षार्थियों पर भी ध्यान देके और सम्मान जीवन जीने का अधिकार उन्होंने दिया। मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करता हूं कि इस पर भी ध्यान देते हुए उन लोगों के आवेदन शुल्क और उम्र सीमा में रियायत दी जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कनिमोजी NVN सोमू। थैंक यू सर। सर, आर्टिकल 323B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स एंड आर्टिकल 323A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। Many cases are emerging in the medical sector which needs quick readdressal. There are a lot of medical issues that happen in hospitals, clinics and also offenses done by the medical practitioners. Sir, in India, there are many tribunals for solving the cases on particular organizations or institutions, but there is no tribunal for the medical offenses. Till today, the offenses that take place in the medical sectors will ultimately go to the courts and the judgments are rendered by the judges who have partial knowledge on the medical issues. Sir, tribunals were constituted with the objective of delivering speedy, inexpensive and decentralized adjudication of disputes in various medical crimes and related matters. If there is a medical tribunal in India, the disputes or the offenses that arise in the medical sector can be controlled. However, the decision of the tribunal may not be the final, but the parties can move for an appeal further to the High Court or the Supreme Court. Sir, a medical practitioner has the duty to exercise due care. Breach of duty will make the doctors liable for damages. Medical negligence of doctor in service results in serious damage or death of a patient is liable for a criminal offence under the Indian Penal Code 1860. But most instances, doctors from all the medical fields are liable under the Consumer Protection Act. The patients who are caused severe injuries at the time of the treatment could now onwards sue the doctors in procedure-free consumer courts for compensation. So the important reason for the need of the medical tribunal is a case under Consumer Protection Act takes too long to conclude, which will be the agonizing nightmare experience for both the patients and the doctors. The doctor will suffer and demoralize throughout the trial, and the medical career of the doctor is also affected. The patients too lose too much time and energy till the end, and the compensation awarded will not be sufficient for the trauma experienced by the patient at the time when they receive it. Sir, the District Consumer Forum does not have members from the medical fraternity, and hence most judgments turned out to be one-sided, either in the favor of the deponent or the opponent, and both instances are unjustifiable. The cases under consumer protection law would give wrong signals about the medical professional. Most doctors are middle-class citizens who practice on their own. It is inappropriate to expect doctors to be able to raise to such large amounts. Such judgments will demoralize the doctors. Sir, India requires medical tribunal so that the offences that take place in the hospitals, government health schemes or programs, offences done by the doctors, hospital authorities, services rendered by the ambulance authorities. Thank you. Your time is over. Thank you. You're not going on record now. Thank you. You have only limited time for 3 minutes. Dr. Amar Patnaik. Thank you, sir.